हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आपने पिछले ब्लॉग में देखा है कि हम लोग गणपति पुड़े दर्शन करके आ गए थे, और गणपति पुड़े में दर्शन कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने बीच पे एंजॉय किया, और बीच पे एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने खाना पीना खाया, और उसके बाद हम लोग होटल रूम्स पर आ गए। तो चेंज वगैरह करके, चेंज वगैरह नहीं, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। मतलब यहाँ से हम लोग अभी निकलने वाले हैं सब लोग, बैग वैग लेके अपने सारे लोग। थोड़ा सा टाइम लग ही जाता था यहाँ पे, और यहाँ पर नहीं, ये रूम्स के नीचे ही नाश्ता वगैरह मिलता था, बट हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया, हम लोग उधर से ही करके आ गए थे। हम लोगों को बाद में पता चला कि यहाँ पर ही नाश्ता वगैरह का ये था, अरेंजमेंट था, बट कोई बात नहीं। हम लोगों ने फिर बैग्स वैग्स ली यहाँ से, और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से वहाँ पर जाने के लिए, रत्नादुर्ग फोर्ट पे, रत्नादुर्ग फोर्ट, और उसके बाद क्या बोलते हैं, रत्नागिरी लाइट हाउस और रत्नागिरी थीबा पॉइंट, वही लाइट हाउस का थीबा पॉइंट जो है वो वहाँ पर गए थे। और ये जो रत्नादुर्ग फोर्ट है वो गणपति पुड़े से 25 किलोमीटर है, मतलब जैसे कि 48 मिनट का रास्ता है। और उसके बाद रत्नादुर्ग फोर्ट पे जाने के बाद हम लोग फिर रत्नादुर्ग फोर्ट पे घूमेंगे, और उसके बाद लाइट हाउस पे जाएंगे, रत्नागिरी लाइट हाउस पे। आगे कुछ रास्ते में इन्होंने सॉन्ग्स वगैरह गाए थे, तो वो आप सुन लीजिए पहले। यहाँ पर पहुँच गए थे हम लोग रत्नादुर्ग फोर्ट पे, और यहाँ पर पहुँचते ही ना हम लोगों को लगी थी भूख थोड़ी सी। मतलब कहीं पर भी जाते थे हम लोगों को ना, ऐसा क्या होता था कि जहाँ पर भी हम लोगों को होटल दिख जाता था तो वहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते थे, नहीं तो फिर क्या होता था कि हम लोग अगर ट्रैवलिंग करने लगे तो फिर उसके बाद तो हम लोग ऐसे स्पेशल गाड़ी नहीं रोकते थे किसी चीज़ के लिए। अगर भूख वगैरह लगी तो हमारे साथ कुछ लेके रखा ही था हम लोगों ने, और फिर होटल्स वगैरह में रुकते थे तो उसमें उस टाइम हम लोग कुछ ना कुछ खा ही लेते थे। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग बोल रही हूँ, ये रत्नादुर्ग फोर्ट पे रुके थे, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे एक होटल है, वहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई सब लोगों ने, क्योंकि प्यास लगी थी और थोड़ी सी मतलब छोटी वाली भूख जो होती है तो वो भी लगी थी, तो इसी वजह से सब लोगों ने चिप्स वगैरह लिए और आइसक्रीम वगैरह लिए। और उसके बाद हम लोग चढ़े रत्नादुर्ग फोर्ट पे, और वहाँ पर जाने के बाद जो नज़ारा हमें दिखाना वो तो देखते ही बनता है। मतलब आप आगे देख लोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा था वहाँ का, और आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके ऊपर देखना, बहुत सुंदर लगेगा आपको। और यहाँ पर ये जो होटल है ना, यहाँ का भी नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ का नज़ारा भी देखते ही बनता था। थोड़ा सा मासी आपको पीछे दिख रही होगी, थोड़ा सा आराम कर रही है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। होता है कंटिन्यू ट्रैवलिंग में ऐसा, मतलब चक्कर से आने लगते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा चाहिए आराम, तो आराम कर रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह खा के हम लोग चढ़े फिर रत्नादुर्ग फोर्ट पे, और ऊपर तो यार इतना सुंदर नज़ारा है ना, मतलब आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है वहाँ का ऊपर का। और हम लोगों को ना कभी कभी ऐसा मन करता था कि यार जाने दो, गाड़ी में ही बैठे हैं, ऊपर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि हर जगह चढ़ना, ये वो कहीं पर रुकना, फिर खाना पीना, फिर और चढ़ना, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि यार मतलब नहीं चढ़े। बट वहाँ पर जाने के बाद तो हर जगह का नज़ारा एक अलग ही था, तो इसी वजह से फिर ऊपर चढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि यार नहीं, अच्छा हो गया हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों को ये वाला नज़ारा हम लोग मिस कर देते थे।
और ये है रत्नदुर्ग फोर्ट की एंट्री, और यहाँ से एंट्री है इधर से और उधर से एग्ज़िट है। तो ये कुछ बाहर से इस तरह से रत्नदुर्ग किला दिखता है, और यहाँ पर ये होटल है सामने ही, तो इस वाले होटल में हम लोग रुके थे। और यहाँ पर ये हमारे न्यू कपल, हमारे साथ दो न्यू कपल थे, मतलब ये और मेरे जो छोटा भाई और भाभी, वो दो न्यू कपल थे, तो इसी वजह से इनका तो बहुत ज़्यादा एंजॉय हुआ, मतलब हमारा भी साथ साथ। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं यार कि आपकी भाभी भाई के साथ ही थी हमेशा, और फैमिली ट्रिप पे आई थी, तो यार उनका पहला ट्रिप था, और उनको हम लोगों ने बोला था कि आप अकेले जाओ, बट उनको था कि वो फैमिली के साथ जाए, इसी वजह से हम लोगों ने ये टूर निकाला था फैमिली का। और कोई प्रॉब्लम नहीं था हमें कि वो साथ साथ रह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली टूर में है तो वो हमारे साथ ही रहने चाहिए। उनकी भी शादी के बाद पहली टूर थी, तो इसी वजह से उनको भी था कि यार प्राइवेसी मिलनी चाहिए। प्राइवेसी तो हम लोग उनको देते थे बहुत, मतलब वो साथ साथ ही रहते थे हमेशा, आपने देखा होगा। और बाकी के टाइम पे तो अब जैसे ही होटल में रुक गया है तो वो हमारे साथ रहते थे या कहीं, और बट हाथ पकड़ के तो यार नॉर्मल है ना, वो हस्बैंड वाइफ है तो हाथ पकड़ के रहेंगे ही यार। कुछ लोगों को हाथ पकड़ के रहे तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम। अगर नहीं रहते तो भी लोग बोलते कि यार उनकी नई नई शादी है यार, देखो अलग अलग रह रहे हैं, बेचारे फैमिली के साथ एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है ट्रिप को। तो ये सारी चीज़ें होती है यार, मतलब आप लोग क्या होता है कि अच्छा भी करो तो भी प्रॉब्लम, और ना करो तो भी प्रॉब्लम। तो यार हमारी फैमिली ऐसे कि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, मतलब जो जिसको करना है, मतलब हम लोग ट्रिप पे आया है कि, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारी मर्जी से ना चाहिए। तो हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने किया, हम लोग इन्जॉय करने के लिए आए थे बाहर, तो हम लोग सिर्फ इन्जॉय ही कर रहे थे। हम लोग ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि कौन किसके साथ रह रहा है या कौन क्या कर रहा है, तो बस फैमिली साथ में थी, एंजॉय हो रहा था फैमिली का एक दूसरे के साथ, बस उतना ही हमें बहुत था हमारे लिए। और कपल है तो कपल एंजॉय करेंगे यार, और न्यू कपल थे तो वो तो एंजॉय करेंगे ही एक दूसरे के साथ, उनका तो एंजॉय हम लोग नहीं रोक सकते। हम लोग उन्हें अकेले भेजते तो भी एंजॉय करते वो, और उल्टा तो अच्छा था कि फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, अच्छा है। जाने दीजिए, मैं बातों बातों में भूल गई कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर, यहाँ से ना इतना सुंदर नज़ारा दिखता है कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर, और पूरा समुंदर ही समुंदर आजू बाजू में, और वो शिप दिखेगी आपको नीचे से, तो ये नज़ारा तो देखते ही बनता था, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ही रुके। बट थोड़ी सी धूप थी और उसके बाद मतलब छाव भी थी, जैसे पेड़ वेड़ थे तो वहाँ पर छाव भी थी। वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, बट ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पर स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, और ऊपर से मतलब नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर घूमा, मतलब पूरा फोर्ट वगैरह देखा, और उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ पर थीबा पॉइंट के लिए, जो रत्नागिरी लाइट हाउस का है, तो वहाँ पर। और वहाँ का भी नज़ारा जब आपको दिखाऊंगी ना, तो अब आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ पर आना ही है हमें पक्का, क्योंकि हम लोग जहाँ पर भी जाते थे ना तो थोड़ा सा थक जाते थे, हमें लगता था कि यार नहीं आगे नहीं चल पाएंगे, और उसके बाद नहीं यार बैठते हैं थोड़ी देर और ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर ये नहीं करेंगे, बट जब जाते थे ना थोड़ी सी हिम्मत करके, तब लगता था कि यार अच्छा हो गया यहाँ पर आए हम लोग। तो मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने एक भी जगह नहीं छोड़ी यहाँ पर, जहाँ पर भी गई ना मैं, तो वहाँ पर एक भी जगह नहीं छोड़ी कि चलो यार यहाँ पर नहीं गई होंगी, ऊपर नहीं गई हूँ, थक गई हूँ ऐसे करके। तो आपको पूरा नज़ारा दिखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, और आप भी जाना चाहोगे, जैसे कि आपने अगर नहीं देखा है, आप भी ऐसे मेरी तरह हो कि यार नहीं ऊपर नहीं चढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर जाओगे पक्का और देखोगे वो वाला सीन जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। आगे आप पूरा देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है एलिजाबेथ का, और ये यहाँ पर मेरे अहो भी बैठे हैं, ये मेरी मेरे अहो उधर जाके बैठे हैं, और एलिजाबेथ का फोटो सेशन चल रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको। एलिजाबेथ एलिजाबेथ थोड़ा सा ना वो कैप पहन के दिखा दो, आप मोनालिसा एलिजाबेथ कैप पहन के दिखा दो। हाँ, एक नंबर। और ये
ये न्यू कपल का फोटो सेशन अभी हो गया है, उसके बाद अभी ये ओल्ड कपल का फोटो सेशन चल रहा है। ये पेड टू कपल का फोटो सेशन चल रहा है। चलना रे भाऊ, अंदर सामान चलना जीजा साली का तो पीछे पहले गए थे, कभी तू कभी मैं हूँ। केला केला, ये है लाइट हाउस जहाँ पर हम लोग आए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा किया यहाँ पे। यहाँ पे ना बच्चों के जो खिलौने थे उससे ही खेले सब लोग बड़े बड़े, और मतलब बहुत ज़्यादा स्टर्डी थे यार ये सब। मतलब यहाँ पर जो भी खिलौने थे बहुत मज़ा आया यहाँ पर खेल के। और मतलब ये सी सॉ पे तो सब लोगों ने इन्जॉय किया। यहाँ पर थोड़ा सा बड़े भाई का वो बैक का प्रॉब्लम हो गया था, उसका बैक पेन हो रहा था, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पा रहा, फिर भी उसने इन्जॉय किया। यहाँ पर आप देख लो स्ट्रेट ही बैठा है वो, फिर भी इन्जॉय कर रहा था। बहुत मज़े आए यहाँ पे। और ऊपर से जब नज़ारा आपको दिखाऊंगी ना, तो वो नज़ारा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, उस टाइप का नज़ारा। तो मैं भी मिस कर रही थी अगर ये नहीं बुलाते मुझे ऊपर। और आप देख सकते हो वो दोनों ऊपर है और ये मुझे बुला रहे थे वहाँ पे। अगर मैं यहाँ से आपको नज़ारा नहीं दिखाती ना, तो सब मिस कर देती थी। एक्चुअली ये जो लाइट हाउस है पूरा, ये पूरा घूमते घूमते ही पूरी हालत टाइट हो गई थी, पूरी बैंड बज गई थी एनर्जी की। और वैसे हम लोग वहाँ पर भी घूमे थे फोर्ट पे,
और उसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग पूरा घूमते घूमते, तो ऊपर आने का मन भी नहीं कर रहा था, मतलब हिम्मत ही नहीं थी। बट ऊपर जब आई ना तब जाके जब नज़ारा देखा मैंने, ये बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब इस टाइप का नज़ारा मैंने इससे पहले नहीं देखा था, सच बोल रही हूँ, लाइफ में इससे पहले इससे अच्छा नज़ारा तो मैंने कभी नहीं देखा है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, अगर मैं ऊपर आई ही हूँ तो मिस क्यों करना, आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो ये मिस मत करना, बहुत टाइम स्पेंड करना ऊपर जाके, बहुत अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी देर तक आप ऊपर रहना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर शाम को आते हो ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी धूप थी यार, इसी वजह से थोड़ा सा ये लग रहा था। बट उधर वाले जो होटल्स हैं, मतलब होटल्स में ऐसे छोटे छोटे बना के रखे हैं उन्होंने स्टॉल टाइप में, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो भी हमें खाना था वो खाया। पहले तो हमें एनर्जी ही लॉस्ट हो गई हमें हमारी पूरी, मतलब हम लोग जब ये पूरा घूमे ना इतनी एनर्जी लॉस्ट हो गई उसमें। उसके बाद तो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग ये स्टॉल्स पे आ गए थे और यहाँ पर जो भी हमें खाना था वो खाया। बहुत ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन यहाँ का जब जो भी था, मतलब जो भी हम लोगों ने खाया थोड़ा सा महंगा था बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। महंगा तो मिलेगा ही क्योंकि हम लोग दूसरी जगह जा रहे, तो हमारे जैसे रेट तो नहीं होंगे, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मतलब पानी पूरी हो गई, ये वो, पानी पूरी तो काफ़ी दिन हो गए थे खाई नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने पानी पूरी ली थी। और आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना, मेरे मुंह में तो एडिट करते टाइम भी पानी आ रहा है यार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी वहाँ की पानी पूरी। और फिर हम लोगों ने वो रोल्स खाए, क्या बोलते हैं, चाट रोल, और उसके बाद चाट कोन बोलते हैं ना, वो खाए। और ये यहाँ पर मेरे ऊपर आप देख सकते हो पानी गिर गया था, तो वो अद्विक ने गिरा दिया था पानी, फिर भी मुझे वो नहीं था, चलो यार खा लेते हैं पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे, आपको क्या बताओ, सब लोग फिर खाने लग गए थे। और टेस्टी भी था बहुत ज़्यादा यहाँ का, तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना वगैरह मतलब खा लिया सब कुछ, और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए। और यहाँ का नज़ारा पक्का बताना मुझे कमेंट करके आपको कैसा लगा। मैंने तो इससे अच्छा नज़ारा इससे पहले कभी नहीं देखा, बट ये वाला नज़ारा देखते ही ना मुझे लगा कि चलो यार ये ट्रिप सफल हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा था यार यहाँ का, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे, और फैमिली के साथ तो एंजॉय बहुत ज़्यादा हुआ। अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि अकेले अकेले आए थे तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट हम लोग फैमिली के साथ थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जहाँ पर भी हम लोग जाते थे वहाँ पर बस यहाँ पर जो भी खाना है वो खाएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। आपण कुठे बसायचं? तुम्ही व्हेजिटेरियन आहे ना? मी आज नॉन व्हेज खाते, तिकडे बसतो। आज नॉन व्हेज खाऊ ना, हिचा नवरा तू तुझ्या नवऱ्याची सीट, माझ्या नवऱ्याची माझी सीट इकडे करते। हा 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 चालते, वा वा काय म्हटलं? हा येऊन राहिले अरे माझे जग खातात ना ते।
तो बस यहाँ पर रुके थे हम लोग डिनर के लिए, और डिनर में वेजिटेरियन उधर बैठे थे और नॉन वेजिटेरियन इधर बैठे थे। तो नॉन वेज खाने वालों ने जो अपना ऑर्डर करना था वो ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टर में वो लिया, क्या बोलते हैं, पापड़ वगैरह लिया, मसाला पापड़। उसके बाद हम लोगों ने जो जिसको ऑर्डर करना था वो उन्होंने ऑर्डर किया, और उसके बाद उधर वेज वाले बैठे थे तो उन्होंने अपना वेज वाला ऑर्डर किया। बस यहाँ पर हम लोग डिनर कर लेंगे और इसके बाद निकल जाएंगे। जहाँ पर भी जाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप दर्शन के लिए आए हो और नॉनवेज खा रहे हो, तो यहाँ का खाना ही वही है यार। मतलब नॉनवेज वाले हर जगह नॉनवेज ही खाएंगे, मतलब नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं तो उनको तो वेजिटेरियन ही लगेगा जो कैसा भी हो, मतलब टेस्ट में अच्छा हो या ना हो, बट वो वेज ही खाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, खाने से किसी को आप जज नहीं कर सकते हो। बट हम लोग नहा वहा के दर्शन के लिए जाते थे, नहा धो के जाते थे, तो इसी वजह से हम लोग, मतलब मन साफ होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, हम मेरा तो यही कहना है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए फिर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इंस्टा पे ज़रूर चेक करना, मतलब वहाँ पर आपको फोटोज़ और वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे ट्रिप के सारे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर देना। बाय।